हेलो दोस्तों, आदर्श परिवार में आप सारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको हम लोग प्रतिदिन अच्छी कंटेंट के साथ डेली बाय डेली आपको लाइव सेशन में आते हैं और मैथ, रीजनिंग, साइंस ये सारे सब्जेक्ट आपको प्रतिदिन कराते हैं। तो जिस एसएससी एमटीएस का आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो एक मेहनती बच्चा आपके सामने यहाँ आ गया है, जिन्होंने 19 में एग्ज़ाम दिया और आपको 21 में उन्होंने अपने मंजिल को पा लिया। तो आज मैं आपके सामने उसको बुला रहा हूँ, उनको आप देखिए, उनसे कुछ सीखिए। तो आइए, वेलकम सुनील जी, आपके बीच में आ रहे हैं। और सुनील जी देखिए, आप आ जाइए, सुनील जी आ जाइए। देखिए, इन्होंने मुंबई में ज्वाइनिंग किए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर हम लोग से मिलने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने बहुत अच्छा लगा कि ये छात्र को अभी तक हम लोगों के प्रति प्यार था, जो कि मिलने के लिए हम लोगों से इतने उत्सुक थे कि खोजते हुए आ गए कि सर आप लोग से मिलना है। तो हम लोगों ने बहुत बेसब्री से इनका इंतज़ार किया और आपके सामने ये आए हुए हैं। और इन्होंने एक गिफ्ट भी लाया है और ये गिफ्ट के और इस मिठाई के असली हकदार इन्होंने हैं, क्योंकि इन्होंने लगन और कठिन परिश्रम के द्वारा, इन्होंने हमारे द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया उसके द्वारा इन्होंने अपने मंजिल को, मुकाम को पाया। तो आप लोग इनको, इनकी बातों को भी सुनेंगे और पहले हम लोग मुँह मीठा कर लेते हैं। चलिए आप ये खा लीजिए। तो आप लोग को चलिए, इस मिठाई में बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है और यही प्यार आप लोगों तक पहुंचता है। सुनील जी से कुछ बातचीत करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि उन्होंने हमारे यहाँ कब क्लासेस की और किस तरह से इन्होंने मुकाम हासिल किया। तो अभी मैं इनको माइक भी देता हूँ और ये बताएंगे। सुनील जी, आप इस समय कहाँ पे ज्वाइनिंग किए हुए हैं? सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद करता हूँ और आदर्श कॉलेज के जितने सारे टीचर हैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे यहाँ से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला और मोटिवेशन के साथ गाइडेंस मिला। सभी सर हम लोग कुछ नहीं क्लास में समझ पा रहे थे, साइड से भी हम लोग को जाके चैम्बर में सर से मिल करके उस चीज़ को समझ लेते थे, सर समझा देते थे, टाइम देते थे हम लोगों को। जो क्लास में नहीं समझ पाते थे उसको हम लोग सर के चैम्बर में जा करके उस चीज़ को कर देते, सर समझा देते थे। और बहुत ही अच्छा हम लोग को यहाँ पर माहौल मिला, एक तरह से फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पर रह रहे थे। और हम लोग का सर टारगेट बैच स्टार्ट था, जो हम लोग से ही स्टार्ट हुआ था 2014 में। तो हम लोग को हर तरह से, हर मतलब जो भी उस चीज़ का, जो भी टॉपिक थे, जितने सारे टॉपिक थे उसी को पूरा कवर कराया गया। हमारे इंग्लिश के सर हैं शैलेश कुमार सर और हृदय सर हैं, जो इन्होंने भी करंट अफेयर्स और अपना बायोलॉजी साइंस वगैरह पढ़ाते थे। जैन सर हमारे जो मैथ के टीचर, बहुत अच्छा इस तरह स्मार्ट वे और जो अपना बेसिक को बहुत सर का मतलब ख्याल से, हमको तो मैथ में सर बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था सर, मैथ में हम आपके यहाँ से सर सीखे। सच में सर, अगर वाकई बताऊँ तो मैथ में हम सर आपके यहाँ सीखे और बहुत अच्छा सर मैथ बताएं। हालांकि हमारा मैथ बहुत वीक था और इतना वीक था कि हम क्या बताएं, लेकिन अभी अच्छा हो गया मेरा मैथ। और हमारे रीजनिंग के जो सर हैं विजय सर, इनका तो पूछना नहीं है। आदर्श कला अगर कोई पूछे विजय सर को न पहचान, समझिए कुछ जानता ही नहीं है। हमारे आदर्श कला में हर एक टीचर का मतलब अपना एक योगदान है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो सर बताते हैं अगर उस चीज़ को आप कर रहे हैं तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा चीज़ है इनका जो डेली पढ़ा रहे हैं उसका वर्क है, उस चीज़ को आप कर ले रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो इतना ही के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और बाकी जो आप लोगों की चीज़ फोकस है। चलिए, एक बात सुनील जी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो आदर्श परिवार से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे, उनको क्या कहेंगे, कैसे उनकी तैयारी करनी चाहिए? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो आपके जो भी गोल है अगर उसे अचीव करना है तो सर आपके द्वारा पढ़ाए गए जो भी मटेरियल हैं चाहे जो भी क्लास में किए गए वर्क हैं उस चीज़ को बस कर लेना है, क्योंकि सर आप वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो संभावित होते हैं। अगर उस चीज़ को आप कर लेते हैं, हाँ विश्वास के साथ, अगर आपको अपने सर पे विश्वास है, अगर विश्वास के साथ उस चीज़ को कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट श्योर होगा, आप सक्सेस होंगे, आप अपने गोल को जरूर अचीव करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। तो आपको ये सुनील जी से हमने मिलवाया और जिनको भी कभी मिलना हो, मुंबई जाना हो या कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम लोगों से मिल सकते हैं और इनके यहाँ सारी सुविधाएँ हैं।
और बहुत अच्छे ये वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस भी है, अपने कार्यशैली को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक है। तो चलिए यहाँ तक आपको एक मोटिवेट हम लोगों ने किया कि आपको किस तरह से जो बच्चे हैं वो सफल होते हैं, कितना मेहनत करते हैं। देखिए हर कहानी के पीछे मेहनत छुपा है। अगर आप एक समय के लिए देखें तो खाली सक्सेस देख रहे हैं इनको, लेकिन इनके पीछे आपकी इनके मेहनत को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या किए हैं। तो बच्चों मैं यही कहूँगा कि आप प्रतिदिन डेली प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करिए और आप भी एक बार ज़रूर मंजिल को चूमिएगा, मंजिल को पाइएगा। चलिए धन्यवाद, बाय।